बोलिएगा अभी बोले हैं आप और बोलिएगा नहीं सर सिर्फ मेरा मानना इतना है बताइए नहीं कि जाति देखना बंद कर दे दादा एक कुतर्क बंद करिए दादा पहले धर्म देखना बंद करे अनुराग भाई ये कुतर्क बंद कीजिए अभी आपने बोला ना संस्कृति संस्कार को अपनाना है अभी आपने बोला ना एक कुतर्क नहीं है एक कुतर्क नहीं है अभी आपने बोला ना क्योंकि आप पे नहीं बीतती है आपको कुतर्क लग रहा है आप ओवरलैप कर रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति धर्म देख के न्याय अन्याय नहीं हुआ क्या अभी क्या हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप बोलने दीजिएगा बताइए आप जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रही है हम सभी बोले अगर जो कहें तो दोष सभी जातियों को मानने वाले लोग हैं अगर कहते हिंदुस्तान मेरा है हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है हर व्यक्ति को इस देश में अधिकार है हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और समान न्याय मिलना चाहिए सुनिए समान अधिकार होना चाहिए यही हमारी सुनिए अनुराग जी अब जवाब ले लीजिए आंदोलन क्या था अनुराग जी जवाब ले लीजिए क्या थी डोंट डू अ मोनोलॉग अनुराग भाई पूर्ण क्रांति अनुराग जी डोंट डू अ मोनोलॉग थैंक यू जयप्रकाश जी का जवाब दे रहा हूं संपूर्ण एक सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की बात की थी जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की बात कि किसान भी खुशहाल हो या बेरोजगारी महंगाई जो असमानता समाज के अंदर में दूर हो यही तो क्रांति थी यही तो समाजवाद ओके पॉइंट टेकन नाउ ओके स्वामी जी जवाब दे रहे अनुराग जी नाउ प्लीज डोंट खिलाफ हम 10 सेकंड नहीं 1 मिनट हो गया नाउ रिलैक्स स्वामी जी ओनली फॉर पीपल आई सेड स्वामी जी मैंने ऐश्वर्या भाई कभी नहीं कहा कि सामाजिक न्याय में ना मिले मैंने कभी नहीं कहा कि अधिकार ना मिले मैंने कभी नहीं कहा कि बराबरी ना मिले मैंने कहा कि सब कुछ मिले मगर सबको संगठित कर दीजिए सिर्फ इतना कहा अनुराग भाई बैठे हैं मैं आपसे बेस्ट सह सम्मान पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश में किसी ने क्या किया दलितों के साथ कोई एक व्यक्ति ने चूक किया यहां से फिलिस्तीन तक सबको एक कीजिए और अपने ही देश में बाजू वाले से ऐसे हालात पैदा कर दीजिए कि पूछिए कि कौन जात हो मैंने मात्र इतना कहा कि संगठित हो जाइए जातियों में विभक्त ना होकर एक हो जाइए ये मेरे से पहले डॉक्टर बी आर अंबेडकर राम मनोहर लोहिया जातिवाद को समाप्त करने की बात कर चुके अगर आप उनसे ऊपर हैं तो अपनी राय रखिए अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट बोलो नहीं 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 अभी नहीं रंगरेश जी दिक्कत मैं आ रहा हूं नहीं क्या दिक्कत है बताइए अनुराग जी वर्मा सिस्टम बाड़िया जी आ रहा हूं थोड़ा टाइम से पूछना चाहिए पूछिए वर्मा सिस्टम नहीं मैं नहीं ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए आपको आपने तो कभी नहीं पूछा भारतीय जनता पार्टी से क्यों जाति का नाम लेती है चुनाव के वक्त में क्या कह रहा भाई कहीं पूछा आपने मेरे सामने आप बैठे हैं किस जात से मेरे सामने आप बैठे हैं अनुराग भाई ये सवाल आप मेरे सामने बैठ करके चर्चा करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा बधाई आपको अरे हम ही आपके सामने बैठ पाएंगे बीजेपी वाले नहीं बैठेंगे अब आप नहीं बैठेंगे बीजेपी वाले यही तो दिक्कत है इस देश के अंदर में जब जानी नहीं जब चर्चा का विषय होता है तो बीजेपी भाग जाएगी फिर आप कहोगे आप ही मेरे सामने बैठे हैं तो बीजेपी वाले क्या करेंगे झुंझुना बजाएंगे क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या समाज को आगे ले जाने की कमाल की बात कर रहे हैं आप ही क्या मेरे हमें आपके सामने बैठा हूं बुलाइए बीजेपी वाले को अपने सामने बैठाइए अरे नेक्स्ट अरे स्वामी जी नेक्स्ट टाइम नहीं एवरी टाइम होता है इनको पता है ये मौके पे चौक ये खिलाड़ी आदमी है ये स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करने वाले हैं कहां पे इनसे ये डिबेट में आप कहां हल्के में ले रहे हैं उनको बोले स्वामी जी भाटिया जी अरे रिलैक्स अनुराग जी आपके सामने नहीं आएगी स्वामी जी सिंपल आदमी है आप उन्हें समझिए ये भी नहीं जानते आप स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हो और बिस्लरी के पानी के गोलगप्पे खाते हो इन्होंने पता भी रिलैक्स करिए भाटिया जी नहीं नहीं रिलैक्स जितेंद्र भाटिया जी रंगरेज जी खेती करने देखिए नहीं नहीं प्लीज अनुराग जी नो प्लीज डोंट मेक इट अबाउट यू थैंक यू भाटिया जी एक साथ आ जाओ हरियाणा में इलेक्शन हुआ नहीं रखिए भाई चारों को हरियाणा में इलेक्शन हुआ ये विपक्ष कहता रहा जाट वर्सेज नॉन जाट कि दलित और जाट ओपनली कह रहा हूं सतीश जी बीजेपी के खिलाफ हो गया है बीजेपी को वोट नहीं करेगा किसान तो फार्मर लॉ से वैसे ही खिलाफ था तो बीजेपी का तो हारना तय है और ये परक्यूलेट कर लिया नीचे तक जमीन तक सब इकट्ठे हो गए सब इकट्ठा हो गया हरियाणा में इकट्ठे होकर वोट कर दिया तो कांग्रेस को कुछ नहीं मिला तो ईवीएम सबके इकट्ठे होने में क्या खराबी है भाटिया जी सिर्फ इतना पूछ रहा हूं ये सर ऐश्वर्या जी मैं आपकी बात का जवाब देता हूं सबके इकट्ठे होने का मतलब है ये इशारा है अगर अभी भी ये यहां बैठे हुए जितने राजनीतिक प्रवक्ता इस बात को नहीं समझ पा रहे तो ये इनकी कमजोरी मैं कह सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता देश ने हर इस इलेक्शन से इस स्टेट ने क्लियर कट इशारा दे दिया
कि ना तो वो जातियों में बंटे हैं और ना इनकी बातों में आने वाले हैं, ना इनके किसी भ्रम में आने वाले हैं। उनको सरकार चाहिए जो उनको मजबूत सरकार दे, जो सरकार उनके लिए काम करे, जो बटी ना हो, जो कटी ना हो, जो सिर्फ भाषण दे के और लोगों को झुंझुना ना पकड़ाए, जमीनी तौर पे काम करके दिखाए। अब इसमें ना तो कोई जाति का सवाल आया, और ये हरियाणा की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता ने प्रूव कर दिया, ना तो वहां कोई जाट ना कोई और समाज, ना बट के एक साथ होके उन्होंने वोट दिया। अगर इसमें कोई गलती है, अगर, और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको पिछले आपके एक प्रोग्राम में कहा भी था कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं तो जमीनी तौर पे उस बात की बात करता हूं। मैंने जम्मू कश्मीर में भी आपको कहा था कि वहां की जनता को कुछ फैसले सरकार के नहीं पसंद आए, वो सरकार को नहीं चाहेगी, वोट आउट करेगी, और वो हुआ, सरकार को वोट आउट किया, उन्होंने एंटी बीजेपी वोट दिया। नहीं है जो 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 अगर जो भी जनता चाहती है, और जनता आपको जनता की बात का सम्मान करना पड़ेगा। आप जनता को अब और बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, ना जनता को आप जातियों में बांट के उनकी बातें करके उनको करके नहीं कर पाएंगे। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। जो सरकार काम करके दिखाएगी, जो सरकार का काम नीचे लेवल से लेके नजर आएगा जनता को, और जो जनता को सबसे बड़ी बात है जिस पे भरोसा होगा, जिस सरकार पे आने वाली वो उसी को वोट देगी। आपने कहीं पर भी उनको अपना विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए आप हरियाणा में हार गए और जातियों में वो नहीं बंटे। मैं आज भी कहता हूं ये देश जाग चुका है, ना तो ये किसी जाति में बटेगा, ना किसी जाति की बात में बटेगा, ये सिर्फ और सिर्फ काम पे बटेगा। अगर किसी ने काम करके, अगर वहां पर मुझे भी लगता था शायद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, आपको भी लगता था ना? नहीं, ये एक रियलिटी है, बिल्कुल लगता था, मैं एक रियलिटी, सबको लगता था, मैं बता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को भी लगता था, सबको लगता था, लेकिन जनता ने वोट दिया, लेकिन जनता ने अपनी वोट की शक्ति दिखाई, the पावर ऑफ दिस फिंगर, ने काम देख के वोट दिया, गलत सेंस मत लीजिएगा, इसी पे इंक लगती है, द पावर ऑफ द फिंगर, जनता ने वोट देके जो ताकत दिखाई है ना। अनुराग भदौरिया, आप हमेशा खुजाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऑन द फेस, वो जनता ने इशारा दिया रियली अनुराग जी कि एक साथ आने में कोई खराबी नहीं है। रंगनेश जी, आपके नेता असउद्दीन ओवैसी साहब तो स्वामी जी क्या नहीं बोलते, 15 मिनट के लिए दे दो, उनके भाई बोलते, कोई बोलता है 5 ही मिनट दे दो। तो अगर किसी ने हिंदू एकता की बात कर ली तो AIMIM को क्या खराब कैसे लग गया, कम्युनल कैसे हो गया, मुसलमानों के पतन की बात कैसे हो गई? कभी तो मैंने नहीं सुना किसी ने ये कहा कि ओवैसी साहब ने मुसलमानों की एकता की बात कर ली तो हिंदुओं के पतन की बात कर ली। तो फिर मुसलमानों का पतन कैसे हो जाएगा अगर हिंदू एक साथ हो जाएंगे? देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं जी रंगरेश चाहूंगा, जो आदमी संविधान की शपथ लेता है उसके लिए सब धर्म एक जैसे होते हैं और सबका सम्मान उनका करने का उनका अधिकार होता है, मगर जब वो बटेंगे और कटेंगे करने की बात करते हैं, और जो मोदी जी हैं कपड़े से पहचानने की बात करते हैं, योगी जी 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, बटन इतनी ज़ोर से दबाओ कि शाहीन बाग तक जो है उसका करंट जाए, तो इस तरीके की जो बयानबाजी होती है उससे क्या होता है, समाज टूटता है या बनता है, आप, मैं पूछना चाहता हूँ, मगर इसमें बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं जिनसे हम सवाल पूछा जाए। दूसरा सवाल मेरा कि जो जातियों की बात की जा रही है, गुरुजी